Hello friends, welcome to the Devgun classes, the educational and professional classes for all. Government exam ke preparation karne wale candidates ho ya school ke student ho, hamara jo channel hai sabhi ke liye equally important hai kyunki NCERT ka reference hai, sare point yahan pe NCERT ke hi hai. To ye sabhi ke liye bahut zyada hi beneficial hai. Hum jo hai class 6 ka chapter 13 kar rahe hain jiska naam hai fun with magnet. आज जो है हम उसका पार्ट टू करने वाले हैं. इससे पहले का पार्ट आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा. आप वहां जाके मेरे उस पार्ट को देख सकते हैं ताकि आपको ये सेकंड पार्ट अच्छे से क्लियर हो पाए. तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है मैग्नेट का. तो चलिए हम बिना किसी डिले के अपने इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को, जो हमारा कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए हैं, उसे स्टार्ट कर लेते हैं. अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि जो ये जो साउथ एंड नॉर्थ पोल का जो फंडा है उसका हम यूज़ कैसे करते हैं एक इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म के लिए. देखिए, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. दिस प्रॉपर्टी हैज़ बीन यूज फॉर ओल्डन डे टू फाइंड डायरेक्शन. मैंने अभी बताया कि जो सस्पेंडेड, जो एनवायरमेंट में फ्री मैग्नेट पड़ा हुआ है ना, आप देखेंगे कि उसका जो डायरेक्शन हमेशा जो होगा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगा, यानी कि नॉर्थ साइड में नॉर्थ पोल होगा और साउथ साइड में साउथ पोल. इसी लिए इसका यूज़ पुराने दिनों में डायरेक्शन पता करने के लिए किया जाता था. और उस डिवाइस का नाम क्या है? कंपास. ठीक है, कंपास जो होता है उस डिवाइस के अंदर ये पोल, ये मैग्नेटिक पोल लगाया जाता है. ठीक है, देखिए, कंपास कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटाइज्ड नीडल एंड डायल मार्क विद कवर. एक आपका डायल है, उसके अंदर नीडल लगा हुआ है मैग्नेटाइज, यानी कि नीडल लगा हुआ है मैग्नेटाइज. दैट मीन कि एक पॉइंट उसका नॉर्थ होगा और एक साउथ होगा. ठीक है, फ्रीली है ये एनवायरमेंट में घूम रहा है, यानी कि फ्री घूम रहा है उस डायल के अंदर. ठीक है, अब जब आप क्या करेंगे, द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल इज मार्क रेड एंड साउथ पोल ब्लू. ठीक है, आपको मैं यहाँ डायग्राम में दिखा देता कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्या लिया हुआ है, बार मैग्नेट लिया हुआ है ब्लू को, रेड को नॉर्थ से और ब्लू को साउथ से. जब भी इसको एनवायरनमेंट में आप फ्री छोड़ेंगे, आप हमेशा देखेंगे कि ये जो हमेशा होगा नॉर्थ की तरफ होगा और ये हमेशा जो है साउथ की तरफ होगा. ठीक है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक हमेशा ऐसे ही रहता है. ठीक है, इसीलिए इसका यूज़ जो है हम कंपास में करते हैं. ठीक है, अगर मान लो हम किसी ऐसे एरिया में हैं, हमें डायरेक्शन का नहीं पता और आपके पास ये कंपास है, तो आप कंपास को लेकर खड़े हो जाइए. ये अपने आप ही क्या करेगा, जो इसका रेड पोर्शन है ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर देगा और जो ब्लू पोर्शन है वो साउथ की तरफ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से डायरेक्शन में हैं. ठीक है, पुराने टाइम में इसका यूज़ किया जाता था, अभी भी जंगल्स में, हिल्स वगैरह में इनका यूज़ है. ठीक है, मेकिंग ओन मैग्नेट. और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम अपना खुद का मैग्नेट बना सकते हैं. मैंने बताया था ना आपको कि टू टाइप्स के मैग्नेट्स होते हैं, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल. तो आर्टिफिशियल है ये. एक आयरन बार ले लेंगे, टेक एन आयरन बार एंड मेक एंड अ मैग्नेट बार. एक मैग्नेट बार को ले लो और एक आयरन बार को. ठीक है, प्लेस वन ऑफ द मैग्नेट पोल एट द एज ऑफ द आयरन बार. एक मैग्नेट के एक पोल पे एक आयरन का बार रखेंगे. ठीक है, स्लाइड द मैग्नेट टुवर्ड द अदर एज ऑफ द आयरन बार विदाउट लिफ्टिंग द मैग्नेट. फिर आप क्या करेंगे कि जो मैग्नेट है उस मैग्नेट को जो है उस आयरन जो नेल है, उस आयरन का जो मटेरियल है उसके उसके अप एंड डाउन आप क्या करेंगे, उसे मूव करेंगे किसे, मैग्नेट को. ठीक है, बिना टच किए और बिना लिफ्ट किए. लिफ्ट द मैग्नेट नाउ, उसके बाद आप मैग्नेट को हटा लेंगे एंड प्लेस द इनिशियल पोजीशन अगेन विद द सेम पोल टचिंग आयरन बार. और फिर से स्टार्टिंग पोजीशन पे ही चले जाएंगे. ऐसा आप 30 से 40 बार करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद जो आयरन है वो मैग्नेटाइज हो गया है. क्योंकि अब यहाँ पे देखिए, ये आपका एक क्या है, मैग्नेट है और ये आपका एक आयरन बार है. आयरन बार के एक पॉइंट पे मैग्नेट का एक पॉइंट स्टार्ट किया. अब इसको यहाँ से ऐसे मूव करते लाएंगे और फिर ऐसे वापस उसी पोजीशन पे ले जाएंगे. ऐसा जो है क्या करेंगे, 30 टाइम्स करेंगे, 30 से 40 टाइम. और जितने बार करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, ये जो मैग्नेट है ये अट्रैक्शन क्रिएट करेगा और ये अट्रैक्शन जो है इसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा, मैग्नेट में. ठीक है, तो ये हम जो है आर्टिफिशियल मैग्नेट बना सकते हैं. ठीक है, हम लोग आर्टिफिशियल कंपास भी बना सकते हैं. देखिए,
क्या किया गया है, एक कॉर्क लिया गया है, ठीक है, एक बाउल लिया गया है, उसमें पानी पानी फिल कर दिया गया है, और एक कॉर्क ले ली गई है, और एक उस कॉर्क के ऊपर क्या किया गया है, ये देखिए कॉर्क है, ये बाउल है, और एक ये आयरन नीडल ले ली गई है, ठीक है। तो ये पूरा जो है बाउल कंपास का डायल का काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है आपका ये जो नीडल है ये मैग्नेट है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, ग्लू द नीडल टू कॉर्क, ग्लू को जो है का यूज़ करके नीडल को कॉर्क के साथ फिट कर देंगे, ठीक है। नीडल जो है पानी से टच नहीं होना चाहिए। इवन आफ्टर रोटेटिंग द कॉर्क अ फ्यू टाइम इन एनी डायरेक्शन द नीडल विल मेक द कॉर्क मूव सो दैट इट पॉइंट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। जब जब ये आयरन नेल जो है, ये जो नीडल है, ये घूमेगा अपनी पोजिशन में, यानी कि नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ, साउथ पोल साउथ की तरफ, तो ये कॉर्क भी साथ में घूमेगा, जैसे कि कंपस का आपका मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका एक क्या करेगा, आर्टिफिशियल कंपास का काम करेगा, क्योंकि जो आयरन नीडल है वो क्या है, वो हमेशा ही नॉर्थ साउथ की तरफ पॉइंट करेगा, जिससे आप डायरेक्शन को इजीली पता कर सकते हैं, ठीक है। अब जो मैग्नेट है उसके साथ दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एक अट्रैक्शन और एक रिपल्शन। तो देख लेते हैं हम क्या होता है। आप देखेंगे कि आयरन जो आपका मैग्नेटिक मैग्नेट बार है या कोई भी टाइप का मैग्नेट है, उसके दो पोल्स होते हैं, ठीक है। लाइक और सेम पोल्स ऑफ टू मैग्नेट, दो मैग्नेट ले लिए हमने और उसका जो नॉर्थ नॉर्थ इकट्ठा रख दिया, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ सेम पोल एक साथ रख दिए, तो आप देखेंगे दे रिपेल ईच अदर। फॉर एग्ज़ाम्पल साउथ पोल वन मैग्नेट रिपेल साउथ पोल ऑफ अदर, अगर एक मैग्नेट का साउथ पोल ले लिया और दूसरे का भी साउथ पोल और दूसरे दोनों को क्लोजली रख दिया, तो आप देखेंगे कि वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। वहीं अनलाइक और डिफरेंट पोल्स हमने ले लिए दो मैग्नेट्स के, तो आप देखेंगे कि एक मैग्नेट का हमने साउथ ले लिया, एक मैग्नेट का हमने नॉर्थ ले लिया, तो आप देखेंगे वो एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे से रिपेल नहीं होंगे, ठीक है। जिनका यूज़ किया जाता है हमारे जो है डेली के बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म हैं उसमें। यहाँ पे देखिए ये दो साउथ एक साथ रखे हुए हैं दोनों मैग्नेट के, तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, ये भी दूर जाएगा एक दूसरे से, बट यहाँ पे एक का नॉर्थ है एक का साउथ, तो ये एक दूसरे की तरफ खींच के चले आएंगे, ना कि एक दूसरे से ये दूर जाएंगे, ठीक है। तो ये दो फंडा है इसका। अब देखिए मैग्नेट के साथ जो है कुछ प्रिकॉशंस भी होते हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या है देख लेते हैं। मैग्नेट लूज मैग्नेटिज्म व्हेन दे आर हीटेड हैमर ड्रॉप, अगर वो गिरे, अगर उसको जलाया जाए, अगर उसको पीटा जाए, ठोका जाए यानी, तो उसका जो मैग्नेटाइज जो प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिज्म की, वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। मैग्नेट जो है वीक हो जाता है अगर उसको अच्छे से हम लोग स्टोर ना करें, नॉट स्टोर प्रॉपरली, ठीक है। इसलिए हमें इसको कैसे स्टोर करना चाहिए, देखिए मैग्नेट शुड बी केप्ट इन पेयर विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, उसके जो अनलाइक पेयर्स हैं ना उनको हम इकट्ठा रखना चाहिए, इससे क्या होगा कि वो एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, एक दूसरे से रिपेल रहेंगे, ठीक है। और क्या करना चाहिए, दे मस्ट बी सेपरेट बाय अ पीस ऑफ वुड वाइल टू पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस अक्रॉस, और उनके बीच में किसी जो है टुकड़े का किसी पीस का यूज़ करना चाहिए, ताकि जो है एक दूसरे तक अट्रैक्ट होकर उनकी शेप ना ख़राब हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे हॉर्स शू है मैग्नेट, वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन, इनके बीच में जो है आयरन रख देंगे, आयरन बार रख देंगे, इससे क्या होगा कि जो है ये इससे अटैच रहेगा, इससे अट्रैक्टिव रहेगा, तो ये आपस में अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो इनकी शेप जो है वो बिगड़ेगी नहीं, ठीक है। सेम यहाँ पे दो बार हैं तो इसके बीच में एक वुडन बोर्ड लगा दिया, ताकि जो है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करें, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने से इनकी जो शेप में जो है वो जो है ख़राब हो सकती है। तो यही मेथड्स है, हमको इसको इस टाइप से स्टोर करना चाहिए, या तो कोई आयरन का यूज़ करिए या कोई वुडन बोर्ड को उनके बीच में फिट कर दीजिए, ठीक है। मैग्नेट के कुछ एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं इक्विपमेंट में, जिसका हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए, जैसे कि कीप मैग्नेट अवे फ्रॉम, हमें मैग्नेट को कैसेट मोबाइल टीवी म्यूजिक सिस्टम वगैरह से दूर रखना चाहिए, क्योंकि मैग्नेट के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्शन की, वो क्या करते हैं इनके जो मटेरियल होते हैं इन इक्विपमेंट्स को, उनके जो प्रॉपर्टी को क्या करते हैं डिस्ट्रॉय करती है, इसलिए हमें इनसे इन्हें दूर रखना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है।
तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, ठीक है, थैंक यू सो मच।